हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिस तरह से राजस्थान के अंदर खास तौर से मेहनत का स्वर जिन संकटों से गुजर रहा है। जन विरोधी सरकार को परास्त करने का आह्वान। भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एवं राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र के संयुक्त सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य एवं RC2 के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल सैनी ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने की लहर चल रही है। उनके शासन में महंगाई बेतहाशा बढ़ गई, जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी, GST और नोटबंदी से फूटकर व्यापारी एवं मजदूर बेरोजगार हो गए। प्रदेश की सरकार ने श्रम कानूनों में भारी श्रमिक विरोधी संशोधन किए, नौजवानों को रोजगार देने के वादों से मुकर गई और किसानों के कर्जे माफ नहीं किए, वहीं कॉरपोरेट जगत को भारी फायदा पहुंचाया। सम्मेलन को राज्य सचिव मंडल के सदस्य एवं RC2 के प्रदेश उपाध्यक्ष तारकेश्वर नाथ तिवारी, MCPI के राज्य सचिव गोपी किशन, डॉक्टर OP पाठक आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि आगामी चुनाव में जन विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। सम्मेलन में प्रस्ताव पास कर प्रदेश के चुनाव में वामपंथी, जनवादी एवं धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवारों को विजय दिलाने और भाजपा को परास्त करने का निर्णय लिया गया। जटिल समस्याएं 5 साल में मजदूर वर्ग के सामने आई और इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई कि मजदूर को अपने मौलिक अधिकार भी बचाना मुश्किल हो गया। जो हमें अच्छे दिन का आश्वासन देकर बुरे दिन जो मजदूरों के लाए और एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेहनत का स्वर्ग के ऊपर थोपने की कोशिश की। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।